हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है फ्रेंड्स चौलाई भाजी, सिंपल टेस्टी चौलाई भाजी। तो भाजी को हम इंग्लिश में इसे एमरंथ भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और मराठी में इसे चौड़ीची भाजी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये चौलाई भाजी को साफ वॉश करके अच्छे से बारीक बारीक इसे हमने कट करके रख लिया है। उसके बाद में हमें टमाटोज लगे, हमने 1 किलो चौलाई भाजी लिए फ्रेंड्स, तो उसमें हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं यानी कि टमाटोज 3। उसके बाद में अनियन लिया है 2 बड़े वाले, 2 बिग अनियंस। उसके बाद में हमने ड्राई चिली यानी कि सूखी वाली लाल मिर्च जो होती है वो ली है। उसके बाद में हमें गार्लिक यानी कि लहसुन लगेंगी। उसके बाद में हमने ये लाल मिर्च है फ्रेंड्स, जो यानी ग्रीन चिलीज होती है जो पक जाती है उसके बाद में इस तरह से हो जाती है, तो वो वाली मैंने ये वाली मिर्च ली है। आप चाहे तो इसमें ग्रीन वाली हरी वाली मिर्च भी ले सकते हो। ये हरी वाली मिर्च ही है जो पक चुकी है, उसको मैंने कट किया है। उसके बाद में हमने सॉल्ट यानी कि नमक लगने वाला है। उसके बाद में हमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर लगेगा। उसके बाद में टर्मरिक यानी कि हल्दी लगने वाली है। ये गरम मसाला है फ्रेंड्स। उसके बाद में हमें रेड चिली पाउडर लगने वाला है यानी कि लाल मिर्च, और ये है क्यूमिन यानी कि जीरा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखिए। तो फ्रेंड, मेरी ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हमने जो ये लहसुन ली है यानी कि गार्लिक ली है, उसे हम खलबत्ते में कूट लेंगे। इसे हमें दरदरा कूटना है, तो हम इसे कूट लेते हैं। इस तरह से हमें दरदरा इसे कूट लेना है। अब क्या करेंगे, हम इसमें जीरा डाल देते हैं, और ये जो हमने कूट के रखा हुआ था लहसुन उसे डाल देंगे, मीन्स गार्लिक। थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। अब इसमें हम सूखी वाली लाल मिर्च डाल देते हैं। इसमें प्याज डाल देंगे। और ये मिर्च हरी वाली जो पकी हुई मिर्च मैंने ली है वो डालेंगे। और इसे हमें सॉफ्ट होने देना है। अब हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे टमाटर, ताकि ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। साथ में डाल देंगे हम टर्मरिक यानी कि 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से ही डालिए फ्रेंड्स। मैं ये 1 टेबल स्पून की ले रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज भी डाली है। उसके बाद में 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करते हैं और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर। इसमें हम नमक अभी नहीं मिलाएंगे फ्रेंड्स, हमारी भाजी डाल देंगे। उसके बाद में जब वो थोड़ी सी चिम जाती है यानी कि तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कम हो जाती है, उस पीरियड में हम इसमें नमक ऐड करेंगे, वरना हमारी भाजी में नमक थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब इसे हम ढक देते हैं और हमारे टमाटर को गलने देते हैं। अब हमारे टमाटर को चेक करें, टमाटर भी हमारा काफी अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी भाजी, भाजी डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले थोड़ी भाजी में हम पूरा मसाला मिक्स कर देंगे। गैस का पावर को हम मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो हमारी भाजी नीचे से जल सकती है। अब इसमें हम बाकी की पूरी भाजी डाल देते हैं। और इसे हम अब ढक के रख देंगे, हमें इसे 10 से 15 मिनट तक हम इसे इसी तरह से इसे ढक के रखेंगे और गैस का पावर एकदम मीडियम करके रखेंगे ताकि वो जले ना, और ये जब तक हमारी भाजी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब इसे हम ढक के रख देते हैं। अब हम हमारी भाजी को चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी कम हो गई है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे।
अब हमारी भाजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे हम। इसे मिक्स कर देते हैं और इसे ढक के हमें पकने देना है। इसके पहले भी मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो डाली है भाजी के बारे में ही डाली थी वाली, उसमें मैंने आलू के साथ में वो भाजी बनाई है। और ये मैं जो भी बना रही हूँ अभी, ये सब्जियाँ जो भी प्रकार की बनाती हूँ फ्रेंड्स, मैं वो एक नागपुरी स्टाइल होती है हमारे यहाँ नागपुर में, जिस तरह से हम बनाते हैं वही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और ये हमारे यहाँ पे नागपुर में बनती है ये वाली, सिंपल भी बनती है और आलू के साथ में भी बहुत अच्छी बनती है। तो आलू के साथ की भी वीडियो मैंने डाली है, आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हो। अब इसे हम ढक के रख देते हैं, इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्रेंड भाजी को अच्छी तरह सूख कर पकने के लिए। बीच बीच में आप चेक करते रहिए। अब हम हमारी भाजी को चेक करते हैं, हमारी भाजी पक चुकी है फ्रेंड्स, लेकिन अभी इसमें पानी बाकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे खुला छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए। इसे अभी हम खुला ही पकने देंगे। अभी हमारी भाजी अच्छी तरह से सूख चुकी है, ये देखिए इसका पानी पूरा सूख चुका है। अब हम गैस का पावर बंद करते हैं और सर्विंग प्लेट में से हम निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार होगी हमारी सिंपल टेस्टी नागपुरियन स्टाइल चौलाई भाजी, मीन्स चौड़ी की भाजी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज़ प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।